We are divided into four teams, only four people, four teams, four groups will be there. Akshaji will be leading the rain. But right now we are going, I have not disclosed the exact location. You'll come to know once you reach that place. बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए टीम बचपन बचाओ आंदोलन के ऑफिस से निकल चुकी है. जो इन्फॉर्मेशन है हमारी वो ये है कि अराउंड 25 टू 30 किड्स, 25 से 30 बच्चे हैं जिनको रेस्क्यू कराना है. हमको इस गाड़ी को फॉलो करना है, इस वैन को फॉलो करना है. स्ट्रेट राइट लेना है आगे. सो हम लोग अभी पुलिस की टीम से मिलने वाले हैं, जहाँ पर पुलिस हमको ब्रीफ करने वाली है कि पुलिस की टीम कौन कौन से वॉलंटियर्स के साथ होगी. तो मैं हूँ आरजे रौनक और रेडियो के इतिहास में पहली बार हम जा रहे हैं एक रेस्क्यू ऑपरेशन, जहाँ पर हमें खबर मिली है कुछ बच्चों की जिन्हें कहीं पर ज़बरदस्ती किसी गलत काम में लगाया गया है. पुलिस की टीम हमारे साथ अभी थोड़े टाइम में निकलेगी और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन की जो वॉलेंटियर्स हैं वो भी हमारे साथ हैं. ब्रीफिंग चल रही है, हम लोग प्लान कर रहे हैं. पुलिस ने भी हमें बताया है कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना है. और कैलाश सत्यार्थी जी जिन्होंने 86,000 से ज़्यादा बच्चों को अलग अलग जगहों पर गलत कामों या फिर गलत लोगों के चंगुल में फंसे हैं उनको बचाया है, चाहे चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात हो, चाहे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की बात हो, चाइल्ड लेबर की बात हो. सो आज भी 20 से 25 बच्चों की हमें खबर मिली. देखते हैं कितने बच्चे हैं और किस लोकेशन पे हैं, ये मैं सब आपको दिखाऊंगा. 93.5 रेड एफएम बजाते रहो. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 18 से कम के हैं. यहाँ के जो मकान मालिक हैं वो कह रहे हैं हमारे नॉलेज में नहीं था कि किसने हमको किराए पे लिया, हमसे रेंट की किसी ने बात करी और हम यहाँ रहते नहीं हैं. ऑब्वियसली वही वाला बहाना है, हमको पता ही नहीं यहाँ पे कौन काम कर रहे हैं, क्या रहा है. तो इस रेड में कुल मिला के तकरीबन 35 बच्चों को रेस्क्यू कराया गया और इन 35 बच्चों को एक सही बचपन मिल सके इसके लिए अब काम होगा. इनका मेडिकल चेकअप होगा. इन बच्चों ने काफ़ी दिनों से न ठीक से कुछ खाया है, लगातार काम किया है, बिल्कुल आराम भी नहीं किया है. और अब पुलिस के पास ये लोग जाएंगे, जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी की जाएगी. मेडिकल चेकअप के बाद इन्हें किसी बाल आश्रम में भेज दिया जाएगा, जहाँ पर इनके अच्छे फ्यूचर के लिए और सही बचपन के लिए ये लोग काम करेंगे. ये सब कुछ तभी पॉसिबल होता है जब आप लोग मदद करते हैं, इसलिए रेड एफएम की टीम आपको तहे दिल से थैंक यू बोलती है कि आप लोगों ने मदद की. कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन ने मदद की, इसलिए आज इतने सारे बच्चों को एक नया बचपन, एक नई लाइफ मिलने जा रही है.